अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रावल रियाज और आप देख रहे हैं क्योंकि स्टार्टअप्स जी। तो रिसेंटली मैंने आपको शायरी ऐप दी थी, डायनेमिक शायरी ऐप बनाने का तरीका बताया था, उसका ट्यूटोरियल भी था, और फिर मैंने आपसे कहा था कि आपको एडमिन ऐप भी दी जाएगी, तो फाइनली आ जाए एडमिन ऐप आपके साथ शेयर करूँगा मैं। उससे पहले एक लास्ट टाइम इशू आया था कि जब वीडियो मैंने अपलोड की थी लास्ट शायरी वाली, तो कुछ लोगों के पास प्ले नहीं हो रही थी, सो वो यूट्यूब की तरफ से ही था, उसको खैर बाद में मैंने इसको फिक्स कर लिया था। पर अगर अभी भी किसी के पास कोई इशू आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। तो चलिए चलते हैं आप आज की ऐप की तरफ, एडमिन ऐप की तरफ, शायरी ऐप की। उससे पहले हम चलेंगे पहले ऐप की तरफ, ताकि आपको मैं दिखाऊं कि हमारे पास जो है रिसेंट कौन सी पोएट्री पड़ी हुई है, क्योंकि आपको मैं एडमिन ऐप से ही हिंदी टेक्स्ट और उर्दू टेक्स्ट दोनों टेक्स्ट की जो आपको मैं अपलोड करके दिखाऊंगा कि वो अब वहाँ पे इजीली अपलोड हो रहे हैं या नहीं, और आपको दोबारा आपकी ऐप में शो होते हैं या नहीं। सो पहले हम चलते हैं अपनी पहले वाली ऐप में, इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा रिसेंट पोएट्री इसमें पड़ी हुई है। हम सैड शायरी वाली में चलते हैं फिलहाल ऊपर वाली कैटेगरी में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली हमें लास्ट जो इस पर आ रहा है टेक्स्ट वो ये वाला आ रहा है हमारे पास शायरी जो भी है, ठीक है। इसको फिलहाल मैं क्लोज़ कर देता हूँ यहाँ से, और अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है हिंदी में, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे हिंदी आती नहीं तो मुझे इसका मतलब नहीं पता, तो अब आप अगर आपको पता है मुझे शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। और ये हमारी एडमिन ऐप है, ठीक है। से प्लेस स्क्रीन ऊपर देखें सेट कैटेगरी, और यहाँ पे ये स्पिनर है, और यहाँ पे आपकी सारी कैटेगरीज आ जाएंगी, सारी कैटेगरी जो आपकी एयर टेबल से ही लोड हो रही है, आपको मैनुअल कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखें टैब योर शायरी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखें एग्जैक्ट हिंदी में मैंने पेस्ट किया है इसको, और मैं अपलोड शायरी पे क्लिक कर रहा हूँ, और ये देखें अपलोड सक्सेसफुली हो गया। अब मैं यहाँ से जाता हूँ दोबारा से शायरी ऐप में, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो हमने सैड शायरी वाले में किया था, तो इसी को मैं दोबारा से ओपन कर रहा हूँ। देखें बिल्कुल एग्जैक्ट जो टेक्स्ट हमने यहाँ पे अपलोड किया था वही एग्जैक्ट उसी फॉर्मेट में यहाँ पे हमारे पास शो हो गया। अब इसी तरह से हम चलते हैं अपनी उर्दू टेक्स्ट की तरफ। इसके अलावा जो कोई भी टेक्स्ट है आपका, अरेबिक है या कोरियन है, कोई भी टेक्स्ट है, तो देखिए अब ये टेक्स्ट काफ़ी लेंथी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर लेंथी टेक्स्ट जो है हमारे से अपलोड नहीं हो रहा है, तो ये देखें आपको सामने में अपलोड कर रहा हूँ इसको, और देखें एक सेकंड में ही अपलोड हो गया। दोबारा से शायरी ऐप में मैं जा रहा हूँ, और यहाँ पे हम दोबारा से इसको देखते हैं कि उर्दू टेक्स्ट भी इस तरह से हो रहा है या नहीं। सो ये देखें बिल्कुल वही टेक्स्ट एग्जैक्ट उसी तरह से यहाँ पर शो हो रहा है। और आप एक चीज़ नोटिस करें कि ये अगर आप मैनुअली इसको शायरी को अपलोड करते हैं ए टेबल में तो वो लास्ट रो में जाता है, पर हम एडमिन ऐप से कर रहे हैं तो देखें वो सबसे टॉप पे आ रहा है जो आपने रिसेंटली अपलोड किया था। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, और आपको बताता हूँ कि आप ये प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं, ये फीचर्स आप इसमें कैसे ऐड कर सकते हैं। जी तो हम कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, ये मेरे पास शायरी ऐप एडमिन है, एडमिन ऐप है शायरी ऐप की। इसमें भी देखें मैंने सिंपल वही लेआउट है इसका, ठीक है। यहाँ पर वैसे प्लेस स्क्रीन है, इसमें वर्टिकल अरेंजमेंट है, और एक जो टेक्स्ट मैंने ऐड किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम इसको यहाँ से डिसेबल कर देते हैं तो यहाँ नेक्स्ट वाली कैटेगरी में, यहाँ पे अगर आप देखो एडमिन स्क्रीन वाली पे, ठीक है, इसको हम विजिबल कर देते हैं यहाँ से। और देखें यहाँ पे सिंपल एक स्पेस दी गई है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, इसमें हमने एक टेक्स्ट दिया है, देख लें लेबल दिया हुआ, और एक जो स्पिनर दिया हुआ है, लेबल हमारा ये वाला है और स्पिनर आपको दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ये हमारा जो स्पिनर वाला ब्लॉक है, ठीक है, कंपोनेंट है सॉरी। और ये एक फिर से एक वर्टिकल अरेंजमेंट दी गई है, ठीक है, उसके अंदर एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया गया है, और फिर एक स्पेस, और फिर एक जो है ये हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट, इसके अंदर फिर मैंने एक लेबल दिया गया जिस पे जो कि बटन के तौर पे काम कर रहा है। इसको आपने यहाँ से क्लिक इनेबल कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आप हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को भी बटन के तौर पर काम कर सकते हैं, इसको भी आपने क्लिक इनेबल यहाँ से इसको एक्टिव कर लेना है। सो ये तो सिंपल है इसका लेआउट था। इसके बाद जो है यहाँ पे सेम उसी तरह से, अगर किसी ने मेरी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ पे कि इंटरनेट स्क्रीन का भी इसमें ऑप्शन है, अगर इंटरनेट नहीं होगा तो आपकी जो ऐप में डाटा अपलोड नहीं होगा। तो देखते हैं ब्लॉग पार्ट में। अच्छा उससे पहले हम चलते हैं अपनी, यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये देखें सेपरेट शीट में जो सेपरेट शीट वन है वहाँ पर मैंने कैटेगरी टेबल का नेम यहाँ दिया हुआ है। अब क्यों दिया हुआ है मैंने कैटेगरी का नेम, क्योंकि ये कैटेगरी है, ठीक है, ये कैटेगरी, और यहाँ से ये इस टेक्स्ट को कैटेगरी नेम वाले कॉलम को ये यहाँ पे
गेट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, ठीक है। और स्पिनर का, स्पिनर से जो आपके पास शो हो रही थी, यहाँ पे आप जितनी कैटेगरी ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ से इस टैक्स को उठा लेगा और आपके जो स्पिनर में उसको शो कर देगा। और इसके अलावा जो ये बाकी दो हैं मेरे पास यहाँ पे, इन पे मैंने कोई भी यहाँ पे टेबल नेम नहीं दिया हुआ, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको दोनों को। और यहाँ पे अगर आपको इससे पहले कोर्सेज में दिखाऊँ कि अभी हमने रिसेंटली टैक्स जो अपलोड किया था यहाँ सैड शायरी वाली कैटेगरी में, तो ये देखें यहाँ पे हमारे पास कोडिंग फॉर्म है, यहाँ पे ये शो हो रहा है। जब भी आप एडमिन ऐप से इससे अपलोड करेंगे तो आपको कुछ ऐसा टैक्स ही नजर आएगा, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कोडिंग फॉर्म में यहाँ पे शो होगा और पर ऐप में जो है आपके बिल्कुल एग्जैक्ट टैक्स ही शो होगा। तो ये हमारा हिंदी वाला टैक्स है, ठीक है, और ये हमारा उर्दू वाला टैक्स है। इसके बाद एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे देखिए ये नंबर इसको लग रहे हैं। नंबर लगने के ये रीज़न है कि आपका जो लास्ट में आप अपलोड करते हैं वो आपका सबसे टॉप पे आ जाता है, और यहाँ पे जो हमने इसको सॉर्ट किया होगा, ठीक है। सॉर्ट का मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ रिसेंट वीडियो में, आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं न्यूज़ ऐप वाली। तो अभी हम चलते हैं ब्लॉक पार्ट में। सो देखें यहाँ पे इसकी इनिशियलाइज होगी, तो क्लॉक लिया हुआ था मैंने, क्लॉक को इनेबल करेगा, ठीक है। जब क्लॉक इनेबल होगा 2 सेकंड के बाद, तो सबरेस्ट स्क्रीन को फाल्स कर देगा और एडमिन स्क्रीन जो हमारी मेन स्क्रीन है उसको ये विजिबल कर देगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ये वेब गेट करेगा, यहाँ पे इंटरनेट चेक करेगा, अगर तो इंटरनेट होगा, ठीक है, गो टेक्स्ट कर लेता है, तो यहाँ पे ये इन दोनों स्क्रीन को फाल्स रखेगा, सप्लेस और इंटरनेट को, और एडमिन स्क्रीन को ट्रू ही रखेगा, और आपके जो है गेट कॉलम कैटेगरी नेम वाले से ये कैटेगरीज कॉल करेगा, ठीक है। जब ये यहाँ से स्प्रेडशीट वन गेट कॉलम कर लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम जब यहाँ से ये कॉलम कर लेगा, वैल्यू ले लेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसको देखिए यहाँ पे जो है ये इसको स्पिनर सेट स्पिनर मैंने किया हुआ यहाँ से, ठीक है। स्पिनर को जो है ये वैल्यू जो भी होंगी उसने उस कॉलम से, इस कॉलम से ली होंगी, उसको ये यहाँ पे शो कर देगा, नोटिफायर को डिसमिस कर देगा एंड क्लॉक टू को टाइमर को इनेबल ट्रू करेगा। जब टू वाला इनेबल होगा तो ठीक है, यहाँ पे वो फिर क्या करेगा, सेट स्प्रेडशीट थ्री उसके जो है यहाँ से ये इसको सेट कर देगा स्पिनर के सिलेक्शन को, जो भी आप स्पिनर सेलेक्ट करेंगे, स्पिनर सिलेक्शन करेंगे इस कैटेगरी को, ठीक है, तो ये उसको यहाँ से उसकी सिलेक्शन ले लेगा। और यहाँ पे स्प्रेडशीट से ये स्प्रेडशीट जो है गेट सेल वाली ये वहाँ से उसकी वैल्यू को कॉल करेगा, ठीक है। जब ये स्प्रेडशीट थ्री कॉल कर लेगा वहाँ से वैल्यू को, ठीक है, तो वो यहाँ पे सेट नंबर टेक्स्ट लेबल को, अब ये कौन सी वैल्यू को कॉल कर रहा है, ये वाली वैल्यू को, इस नंबर को ये कॉल कर रहा है, ठीक है। इसको ये क्यों कॉल कर रहा है अभी आपको मैं बताता हूँ आपको कि इसको कॉल कर लेगा, और नंबर लेबल टेक्स्ट इसको जो है मैंने हाइड किया हुआ नंबर लेबल टेक्स्ट को, ठीक है, ये बैक एंड पे आपके जो यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपका ये शो कर देगा। और जब आप करेंगे यहाँ पे, जब आप बटन क्लिक करेंगे, ठीक है, ये देखें जब आप बटन क्लिक करेंगे तो पहले वो शायरी टेक्स्ट बॉक्स को चेक करेगा, अगर एम्प्टी होगा तो आपको यहाँ पे ये नोटिफायर शो करेगा और लीनियर प्रोग्रेस बार को ये ट्रू कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगर तो एम्प्टी नहीं होगा उसके बाद लीनियर प्रोग्रेस को विजिबल ट्रू करेगा और दोबारा से इंटरनेट चेक करेगा, इंटरनेट अगर होगा आपकी ऐप के अंदर, ठीक है, तो फिर ये वेब गो टेक्स्ट पे आने के बाद सेट स्प्रेडशीट टेबल नेम, यहाँ पे स्पिनर सिलेक्शन की जो भी होगी उसका जो है ये टेबल नेम कॉल कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चीज़ नोटिस करें कि मैंने क्लॉक टू क्यों लगाया हुआ है, क्योंकि जो भी सिलेक्शन होगी जैसे ही सिलेक्ट करेगा उसके बाद फ़ौरन से जो है क्लॉक टू जो है वो इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इनेबल होने के बाद उसी वक्त वो जो है इस सेल की उसी कैटेगरी से जो है जिस नंबर को ले लेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर लव शायरी इसको मैं स्पिनर से सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये फिर इसी टेस्ट के इसी कॉलम से जो है उस इस वैल्यू को ये नंबर वाले से कॉल कर लेगा। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से इजी कर दिया। जब ये यहाँ से अपलोड पे क्लिक होगा, ठीक है, इंटरनेट चेक करें, इंटरनेट होगा तो यहाँ पे सेट सेपरेटशीट टू को हम स्पिनर सिलेक्शन की दे देंगे, स्पिनर सिलेक्शन जो हमारी कैटेगरी का नेम है उसी पर हम कर देंगे कॉल सेपरेटशीट टू, तो क्रिएट कॉलम पोल्ट्री और नंबर, ठीक है। अब पोल्ट्री वाले में तो हम पोल्ट्री को ही अपलोड करेंगे, ये देखें ये पोल्ट्री वाला, इसमें पोल्ट्री ही हमारी अपलोड होगी। और नंबर वाला है, नंबर में हम क्या कर रहे हैं कि जो यहाँ पे हमने पहले वैल्यू ली थी, ठीक है, जो वैल्यू हमने यहाँ पे पहले ली थी नंबर ये वाली नंबर लेबल वाली, ठीक है, और उस पर हम क्या करें प्लस वन कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिक्स होगा तो यहाँ पर ये प्लस वन करके उसको करेगा, तो सिक्स के बाद यहाँ पर सेवन हो गया था, जैसे आपको यहाँ पर दिखाऊँ अगर मैं, यहाँ पर ये सेवन हो गया था, उसके बाद फिर एट हुआ क्योंकि बार बार उसकी वैल्यू को कॉल कर रहा था,
ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ पे आप इस ब्लॉक को अगर देखेंगे तो ये जो है वेब वाले से मैंने ब्लॉक लिया हुआ ये वाला, ठीक है। यहाँ पे अगर आप आएंगे ये आपके हिंदी और उर्दू टेक्स्ट को जो है यहाँ पे ये पहले इनकोड करके जो उसको अपलोड कर देता है, जो कि आपको यहाँ कोड फॉर्म में शो हो रहा होता है। और अगर आपको लास्ट ऐप में अगर आपने वीडियो नहीं देखी उसको मैंने आपको बताया था कि जब टेक्स्ट कॉल कर रहा था तो उसको डिकोड करके कॉल कर रहा था ताकि उसको टेक्स्ट को जो है कन्वर्ट कर ले। तो सिंपल सा ट्यूटोरियल था, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और मज़ीद कोई आपको क्वेरीज चाहिए या बिज़नेस के सिलसिले में आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है। सो नई वीडियो के आने तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।